ऐसी सरकार के जो फरमान जारी हुआ है, ऐसे नेताओं का जो फरमान जारी है, उसका हम लोग विरोध में उतरे हैं। और आज का जो हम लोग का कार्यक्रम है, शुरुआती कार्यक्रम है, झारखंड राज्य के गठन के पूर्व हम सभी एक एक बिहारवासी हैं। बैठने में दिक्कत है, झारखंड के बंटवारे में आप खड़ा हो जाइए ना, नहीं थे। इसमें विभिन्न भाषाओं के झारखंड के मूलवासी भी उस झारखंड के बंटवारे में अहम योगदान रहा है। झारखंड के बंटवारे के समय ये धरना प्रदर्शन जो है, चूंकि आपने बोकारो में देखा है, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने स्पष्ट रूप से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो भोजपुरी, अंगिका, मगही और मैथिली को हम जो है ना, मतलब राज दर्जा मिलना था उसको भी हम राज से बाहर कर देंगे, जिला में जो आई है उसको ही बाहर कर देंगे। हम लोग सबसे पहले तो उनकी बयान की घोर निंदा करते हैं, साथ ही आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये मार, शब्दवानी मार जो है, हम लोग 2000 से झेलते चले आ रहे हैं, चाहे वो मैथिली हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो या मगही। आपके माध्यम से हम उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार का जो आंकड़ा और राज्य सरकार की जो आंकड़ा है, वो 70% और 30% की प्रतिशत की जो है ना, मतलब कि सरकारी आंकड़ा है, और उसके बावजूद जब इलेक्शन आती है तो लोग हम लोग से गले मिलते हैं, और इलेक्शन खत्म होती है तो हम उनके दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए हम लोग जो है ना, इनका भोजपुरी, मैथिली और अंगिका या मगही सारे समाज मिल करके इनका विरोध कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, हम लोगों ने देखा पत्रिका के माध्यम, पत्र के माध्यम से देख रहे हैं कि धनबाद में, बोकारो में, रांची में जिस तरीका से आग लग रहा है। हेमंत सोरेन को हम ये कहना चाहते हैं, आग्रह कर रहे हैं कि इस पर अगर जल्द अंकुश नहीं लगाते हैं तो आने वाला समय में सत्ता विहीन होंगे। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये जब तक ये जो इन लोगों ने छुट भैया लीडर लोग इस तरह का आवाज़ उठाते रहेंगे तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। इसकी हम ये, इसकी खामियाना 2024 में चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें 70% लोग जो है ना, ये दिखा देंगे कि हमारी ताकत पर आप सरकार बना रहे हैं और हम ही को आप गाली दे रहे हैं, मतलब अशब्द बोल करके हमको अपमानित कर रहे हैं। इसका हम लोग जो है ना, घोर निंदा किया है। कल ही राष्ट्रपति को यहाँ के स्थानीय सांसद विद्युत महतो जी ने भी एक ज्ञापन दिया है। विद्युत महतो को यह ज्ञान नहीं है कि 3.5 लाख जमशेदपुर में लोकसभा सीट में भोजपुरी, मगही, अंगिका, ये सारे लोग उनको वोट दिया, और आज जो है ना वो अपनी जात और बिरादरी की बात करने लगे, तो आने वाला समय में ये झारखंड सम्मान अधिकार मन भोजपुरी, मगही, अंगिका को लेकर ये उनको चेतावनी दे रहा है कि आने वाला लोकसभा 2024 में विद्युत महतो यहाँ से सांसद नहीं रहेंगे, यह हमारी वादा है। हमारा नाम योगेंद्र शर्मा उप मुनवा शर्मा, समान अधिकार मंच के संयोजक हम हैं।